राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान जो है 46 डिग्री पहुंच चुका है। हम लोग इस वक्त मौजूद है दिल्ली के आईटीओ पर, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही तो कम है ही है, वहीं कुछ लोग अब पानी से परेशान होते हुए पानी भरते हुए यहाँ पे नजर आए हैं। लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार इस गर्मी में वो कितना परेशान है, कितनी परेशानी हो रही है, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के कारण यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पानी का अधिक मात्रा में यूज करना कातर कहीं ना कहीं समझो जो अच्छा काम करने के। ये नल जो लगा था इसमें हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, जिसमें हम पानी भर के पी के संतुष्ट। काम करने में कितना मुश्किल होती है, काम करने में हद से ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए क्या करेंगे, काम धंधा को छोड़ के ऐसे वृक्ष के पास बैठे रहते हैं। गर्मी से बेहद ही परेशान है, ऑटो चालक भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अंकल जी, गर्मी से कितनी परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मैडम, जहाँ पानी मिलता है पानी ज्यादा पी रहे हैं, खाना भी नहीं खा मिलता है। अगर लोगों की आवाजाही की बात करें तो दिन में सवारी मिलती है या नहीं मिलती? बहुत कम मिलती है मैडम। कम में निकलते हैं लोग? जी जी जी। बहुत असर पड़ रहा है इस गर्मी के कारण काम? गर्मी से काम पर तो बहुत ज्यादा ही असर है, कुल मिलाकर काम चल ही नहीं रहा गर्मी में, और न ही सवारी मिल पाती है इस टाइम मैडम। परेशानी बेहद हो रही है। खुद को बचाने के लिए क्या क्या काम करते हैं? खुद को बचाने के लिए तो क्या, काम तो मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, बच्चे पालना तो काम तो करना पड़ेगा। गर्मी से बचाव के लिए? गर्मी से बचाव के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और क्या बचाव, गर्मी सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाल बुरे देख लो, कपड़े सारे भीगे पड़े हैं पसीने में, पानी पीते पीते परेशान है। आपने देखा कुछ लोग भी और भी मौजूद हैं, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है मैडम, बाहर निकलना मुश्किल है, और मैं तो राइड करता हूँ तो वैसे ही इतनी गर्मी है कि पूछो मत, चक्कर से आने लग जाते हैं। क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जब बाहर निकलते हैं तो? मैम पूरे ये फुल मतलब कपड़े पहनता हूँ, ताकि ये क्योंकि हाथ जो है ना बाइक चला नहीं सकते, जलने लग जाता है हाथ, और हेलमेट तो यूज कर ही रहे हैं। जो दिन क्या समय है आप घर से निकले हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी जो इतनी भीषण गर्मी में आप घर से बाहर निकले? मैडम नौकरी चली गई है तो बाइक राइड करके जो है गुजारा कर रहे हैं। सिविल डिफेंस में नौकरी करते थे, आपको पता ही होगा। सिविल डिफेंस में नौकरी करते थे, बाइक राइड करके गुजारा कर रहे हैं, राइडर भी इनके साथ मौजूद हैं। आप बाइक राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी है? गर्मी तो मैम बहुत ही ज़्यादा है, बट क्या करें, अब मैं भी सिविल डिफेंस से ही हूँ, जो धक्के खा रहे हैं जॉब के लिए, कि उम्मीद है कि कुछ हो जाए। गर्मी से बचाने के लिए क्या कहते हैं मैम? गर्मी से बचाने के लिए छाव, जितना छाव से बच सकते हैं, पानी वगैरह, बस इसी में ये करना पड़ रहा है। पेय पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये देखिए एक शख्स जो कि हाथों में बोतल लिए खड़े हैं, खुद पानी की खोज कर रहे थे, पानी ढूंढते ढूंढते अंकल यहाँ तक। मैं यहाँ केजरीवाल जी का दफ्तर है, यहाँ वाटर कूलर लग रहा है तो यहाँ से पानी ले लेते हैं हम, ऑटो चालक है, और गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है, एक तो सवारी नहीं मिलती, उसके बावजूद गर्मी के अंदर पब्लिक ही नहीं निकल रही यहाँ पे दिल्ली में, तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं हम लोगों का भी। शाम के समय भी लोग इस गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, शाम को लोगों का क्राउड देखने को मिलता है सड़कों पर? अभी जितना पहले क्राउड होता था ना उतना नहीं है, गर्मी से बचने बचते बस अपने घरों में रहते हैं। एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ, दिल्ली अनुमान देखा जाता है जब छुट्टियाँ पड़ती है तो पर्यटक घूमने आते हैं, बाहर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दिल्ली देखने आते हैं, भारत की राजधानी है दिल्ली। इस बार क्या लगता है, क्या पर्यटक आए? आप ऑटो चालक है, आपको क्या लगता है कि लोग घूमने आए? दिल्ली में अभी इस सीजन में कोई नहीं आया जी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और दिल्ली से बचते हैं लोग, और लोगों को ये धारणा है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी है, इसलिए इस बार गर्मी में, गर्मी की छुट्टियों में पर्यटक आए नहीं। आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खुद को? हम तो पानी पीते हैं बस, पानी पीते बस। तो आपने देखा कि ये थे दिल्ली के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं गर्मी में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर लोग जहाँ जहाँ वाटर कूलर लगे होते हैं वहाँ पानी लेने पहुंच जाते हैं, और इसी भीषण गर्मी के कारण जहां दिल्ली में ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वहीं पर्यटकों की संख्या भी अब दिल्ली में कम होती नजर आ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप पूरी दिल्ली पे ही नहीं उत्तर भारत में छाया हुआ है। विजिलेंस भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया दिल्ली।